हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का रिव्यूज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे एम प्लेयर की वेब सीरीज सबका साई को तो इस वीडियो को अंत तक तो जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो सबका साई ये वेब सीरीज़ आज ही एम प्लेयर पर रिलीज़ हुई है इस सीरीज़ में टोटल दस एपिसोड हैं और हर एपिसोड छब्बीस मिनट से लेकर बयालीस मिनट के बीच का है और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये शो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है जिसका ये मतलब है कि ये शो कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने वाला है लेकिन ये शो टेक्निकली कैसा बनाएं इस पर तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी साईं बाबा की और इस सीरीज़ के हर एक एपिसोड में हमें बताया जाता है कि शीढ़ी में क्या क्या हो रहा है और साईं बाबा उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं यही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है इसीलिए इसी कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं लेकिन अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही है मतलब कि ये स्क्रीन प्ले उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है जो कि सही बाबा के भक्त हैं क्योंकि उन्हें इस सीरीज़ में हर एक वो चीज़ देखने को मिलेगी जो कि वो एक साई बाबा की सीरीज से उम्मीद करते हैं यानी कुछ उसी तरह के कैरेक्टर्स उसी तरह की सिचुएशंस उसी तरह के उनके चमत्कार सब कुछ वही देखने को मिलेगा जिस तरह की वो उम्मीद करते हैं जिसके कारण ये शो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है लेकिन जो एक न्यूट्रल ऑडियंस है उसे ये शो काफी ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक लगेगा और जिस तरह की सिचुएशन इस सीरीज में क्रिएट हो जाती हैं, उन पर भी उन्हें विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जिसके कारण वो इस पूरे शो में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था और वो कहीं ना कहीं इस शो से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे जिसके कारण जो कुछ भी शो में हो रहा होगा वो उन पर किसी भी तरह का कोई इंपेक्ट नहीं छोड़ पाएगा और फिर जिस तरह से टू स्टेंडर्स आएंगे वो भी कब आके कब चले जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा जो कि काफ़ी बुरी बात है और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी इतना कुछ खास नहीं है कि हमारा किसी भी कैरेक्टर के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन बन पाए और जो कैरेक्टर्स के बीच डायनमिक्स रहते हैं वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगे लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी इसका काम ठीक ठाक ही है किसी का भी काम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन किसी का भी काम बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है लेकिन जिन्होंने साई के कैरेक्टर को प्ले कराया उनका काम मुझे अच्छा लगा और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस सीरीज़ का काफी बेहतर हो सकता था क्योंकि डायरेक्टर एक न्यूट्रल ऑडियंस को इस शो के साथ कनेक्ट करने में फेल हुए हैं जो कि काफी बुरी बात है लेकिन जो एडिटिंग है वो बस ठीक ठाक ही है और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वह अच्छी है तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप साई बाबा के भक्त हो तो आपको ये शो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो शायद ही आपको ये शो पसंद आएगा तो आपको ये शो देखना है या नहीं ये आपके ऊपर है और अगर आपने ये शो देख लिया तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत